हेलो फ्रेंड्स, एनोवा द अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम रमन गर्ग है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी टाइपिंग कृतिदेव 010 फॉन्ट को एमएस वर्ड में इंस्टॉल करने का बेसिक्स के बारे में बताया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी टाइपिंग करने के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक तो शिफ्ट के साथ और एक बिना शिफ्ट के साथ। दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड में हमारे ये अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक की, स्पेशल की, ये सभी मेंशन है। सबसे पहले हम हिंदी टाइपिंग के लिए अपना जो हिंदी कृतिदेव 010 फॉन्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार क्लिक करके कृतिदेव 010 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम हिंदी फॉन्ट के लिए थोड़ा सा इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। दोस्तों, एक शिफ्ट के साथ और एक बिना शिफ्ट के साथ हम कैसे टाइप करते हैं हिंदी में, इस बारे में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। आज हम बेसिकली न्यूमेरिक की को यूज करके हम हिंदी टाइप करने के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक, एक तो अल्फाबेटिक होती है, देखिए देखिए दोस्तों, अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिक की, ठीक है। शिफ्ट बटन है। ज़्यादातर जो न्यूमेरिक की है दोस्तों, वो हम शिफ्ट के साथ ही यूज करते हैं। सिर्फ तीन की है जो जो हम शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ टाइप करने में यूज होती है। सबसे पहले यदि हम जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो होती है, वो आप शिफ्ट के साथ ही यूज कर सकते हो। ये आप बिना शिफ्ट के साथ अगर यूज करते हो तो आपको रिजल्ट सिर्फ न्यूमेरिक की वाला आएगा, हिंदी टाइपिंग वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि 1 प्रेस किया हमने तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम सीखते हैं कि शिफ्ट से और बिना शिफ्ट से हम कौन कौन सी की यूज कर सकते हैं। सबसे पहले शिफ्ट, जैसे हमने शिफ्ट को दबाए रखना है और फिर हमने ये वाली की, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला अगर हमने दबाते हैं तो हमारे को हिंदी में ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। यदि हम बिना शिफ्ट के इसके यूज करते हैं, बिना शिफ्ट के यूज करते हैं तो दोस्तों ये देखिए, ये वाली की अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारे को ये वाला रिजल्ट मिलेगा हिंदी में जो आप यूज करते हैं। और अब हम दो की के बारे में और जानेंगे जो हम शिफ्ट और बिना शिफ्ट के यूज कर सकते हैं। ये जो हाइफन वाला जो बटन है, इसको अगर हम बिना शिफ्ट के यूज करते हैं तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। यदि हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, ये देखिए, यदि हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, ये इधर भी दोनों तरफ आपके शिफ्ट बटन होगा, इसको हम अगर शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो आपको ये ऋषि वाला हिंदी में ये वाला रिजल्ट मिलेगा। और यदि आप हाइफन के साथ, एक और बटन जो होता है प्लस और बराबर वाला, अगर आप बिना शिफ्ट के यूज करते हैं तो आपको ये त्रय वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। दोबारा से देख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस देते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। और यदि हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, ये देखिए, ये मैंने शिफ्ट पे एंड प्रेस किया और इसको प्रेस किया तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिक की जो 1 से लेके 0 तक की जो की है, 0 से लेके 9 तक की जो की है, उनको यूज करते हैं। जो 0 होता है वो आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा आपको ये वाला, और जो 1 से लेके पहले 9 तक, फिर 0 का यूज करेंगे शिफ्ट को यूज करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले शिफ्ट प्लस वन को यूज किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे को, ये एक्सक्लामेटरी साइन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस एट द रेट 2 है जो, ये इसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा हिंदी में, ठीक है। यदि आप शिफ्ट प्लस 3 को यूज करते हैं तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा हिंदी में। यदि आप शिफ्ट प्लस 4 को यूज करते हैं तो आपको ये वाला हिंदी में रिजल्ट मिलेगा। यदि आप शिफ्ट प्लस 5 को यूज करते हैं तो आपको डबल डॉट वाला हिंदी में रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यदि आप शिफ्ट प्लस
सिक्स को यूज करते हैं, ये देख लीजिए, तो आपको हिंदी में इन्वर्टेड कोमा वाला रिजल्ट मिलेगा। एक शिफ्ट इधर भी है तो आप, क्योंकि वहां तक आपकी फिंगर नहीं पहुंच पाएगी, तो शिफ्ट प्लस सेवन को यूज करते हैं, देखिए, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा हाइफन वाला हिंदी में। यदि आप शिफ्ट प्लस एट को यूज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा वाला रिजल्ट मिलेगा आपको हिंदी में। यदि आप शिफ्ट प्लस नाइन को यूज करते हैं तो दोस्तों आपको ये वाला हिंदी में रिजल्ट मिलेगा। यदि आप शिफ्ट प्लस जीरो को यूज करते हैं दोस्तों तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा है कि कैसे हम शिफ्ट को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक की के साथ, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ भी और बिना शिफ्ट के साथ भी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस अनुवाद अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।